और सीधे आपको मोहाली ले चलते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इसको टिकट दे दो, इसको सीएम बना दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। हमें पंजाब सुधारना है कि किसी को मंत्री और किसी को विधायक बनाना है? हम पंजाब सुधारने आए हैं या हम किसी को कुछ बनाने आए हैं? आम आदमी पार्टी में मैं बार बार बोलता हूं, एक एक शख्स जो आता है वो अपने लिए कुछ बनने के लिए नहीं आता, किसी के लिए टिकट मांगने नहीं आता, किसी को कुछ मंत्री मुख्यमंत्री विधायक बनाने नहीं आता। हम पंजाब सुधारने के लिए आए हैं। हमने दिल्ली सुधारी है, आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों देख रहे हैं? आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि ये मंत्री बनेगा और ये विधायक बनेगा। आज आम आदमी पार्टी की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हुआ है। वही काम अपने को पंजाब के अंदर करना है। आज पंजाब का बच्चा बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है। आज पंजाब के अंदर बच्चा बच्चा, आज पंजाब का एक एक परिवार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा अस्पताल मांग रहा है। आज लोग 24 घंटे बिजली मांग रहे हैं, आज बिजली के बिलों से मुक्ति मांग रहे हैं। वो किसी की पूंछ पकड़ने से नहीं होने वाली। हमेशा पंजाब के लिए लड़ना, किसी एक बंदे या किसी एक पार्टी के लिए मत लड़ना। कल को अगर आम आदमी पार्टी गलत हो जाए, छोड़ के चले जाना आम आदमी पार्टी। कोई जरूरत नहीं है जिंदगी भर आम आदमी पार्टी के साथ रहने की। तो ये जो इसकी टिकट उसकी टिकट, ये इस चक्कर में मत पड़ो। अब मुद्दों पे आते हैं। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बिजली मुफ्त कर दी। लगभग 70-75% लोगों की बिजली मुफ्त है, जीरो बिजली का बिल आता है, 24 घंटे बिजली आती है। ऐसा नहीं कि जीरो बिजली का बिल आता है तो बिजली डिपार्टमेंट घाटे में हो गया, 24 घंटे बिजली आती है। मैं सितंबर के महीने में आया, मैंने कहा पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम बिजली के बिल मुफ्त कर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे।